सभी महानुभावों को राखी द्वार की तरफ से जय जिनेन्द्र। आज हम एक ही बार स्तोत्र के 21वें नंबर के पद का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले पिछले श्लोक में जो हमने समझा था और आचार्य श्री ने जिस प्रकार से इंद्र की भक्ति की प्रशंसा, इंद्र की भक्ति के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान के स्तवन की प्रशंसा की जो बात कही थी, उसमें एक और पहलू की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। वहाँ पर आचार्य श्री के भाव इस प्रकार हैं कि वो कहना चाह रहे हैं कि भगवान, हम आपके स्तवन की प्रशंसा या फिर आपके गुणों का अनुवाद इसलिए नहीं करते हैं या फिर आपको महत्व हम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आपकी सेवा करने वाला स्वधर्मेंद्र जैसा एक स्वर्ग का राजा है। मतलब हम इसलिए नहीं आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके गुणों का स्तवन करते हैं क्योंकि इंद्र आपकी सेवा करता है, इंद्र जैसा महान देवता आपकी सेवा में तत्पर रहता है, बल्कि हम इसलिए आपकी प्रशंसा और सेवा करते हैं, आपके गुणों का स्तवन करते हैं क्योंकि आप सिद्ध हो चुके हैं, आप भगवान बन चुके हैं, आप स्वयं संसार से तर चुके हैं और संसार के प्राणियों को संसार से तारने वाले हैं, इसलिए आपके स्तवन की प्रशंसा करने योग्य है, ना कि सिर्फ इसलिए कि आपकी सेवा करने के लिए इंद्र जैसा व्यक्ति तैयार होता है, क्योंकि वो जो पूजा स्तवन स्तुति आदि करता है इंद्र, उसके कारण से तो उसको ही लाभ होता है, उस प्रशंसा उस स्तुति के फल स्वरूप वह अगले जन्म में मनुष्य भाव धारण करके मोक्ष चला जाता है, तो उसकी जो भक्ति है वो तो भाव विनाशनी है ही, लेकिन मात्र इतने से ही आपकी प्रशंसा नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग पहलुओं से भी इन श्लोकों को समझने का प्रयास करना है। और उसी कड़ी में एक बार फिर से 21 नंबर के श्लोक में जो यहाँ बताया जा रहा है वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे कि इस भक्ति को हम किस प्रकार से भगवान तक पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते हैं, क्या होता है। तो सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे वृत्तिर्वाचा, ठीक है, वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी न त्वमन्येन तुल्य, न त्वमन्येन तुल्य स्तुत्युद्गाराः, स्तुत्युद्गाराः कथमेव ततः त्वय्यमी नः क्रमन्ते, यहाँ विसर्ग नः क्रमन्ते, फिर मैवं भूवस, ये चंद्रबिंदी होगी यहाँ पर, मैवं भूवस तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास, ये आधे सा का उच्चारण यहाँ कर लेंगे, ठीक है, पुष्टास ते भव्याना मभिमत फलाह पारिजाता भवन्ति। इधर का सा का उच्चारण हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये स्तुति स्तुति शब्द यहाँ पर है ना, तो चूंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक ही शब्द है, तो यदि हम करेंगे तो इस पूरे का एक बार में उच्चारण करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ पूरा शब्द एक बार में बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। वृत्तिर्वाचा मपर सदृशी न त्वमन्येन तुल्यस्तुत्युद्गाराः कथमेव ततः त्वय्यमी न क्रमन्ते मैवं भूवस् तदपि भगवन् भक्ति पीयूष पुष्टास् ते भव्याना मभिमत फलाः पारिजाता भवन्ति। क्या कह रहे हैं इसमें, छंद में आचार्य प्रवर कहने का भाव अपने जो प्रदर्शित कर रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि भगवन् मैं तो एक सामान्य मनुष्य गति का जीव हूँ, मनुष्य हूँ, और मेरी जो वचन पद्धति है
वचनों का तरीका है, बोलने का तरीका है, ये सामान्य व्यक्तियों की तरह है, लेकिन आप जो हैं वो एक अलौकिक व्यक्ति हैं, वो सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है। तो मेरे जो उद्गार हैं, मेरे जो वचन हैं, वो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? क्योंकि मेरी बात को तो कोई मनुष्य ही समझेगा, मेरे वचन तो केवल मनुष्य के कान तक ही पहुंचेंगे, तो आप तक कैसे पहुंचे? क्योंकि आपके पास तो कोई इंद्री है नहीं और आप किसी की बात सुनते हैं नहीं, आप तो अपने आत्मा में लीन हैं। तो क्या हमारी ये भक्ति आप तक पहुंचेगी? तो बिल्कुल स्पष्ट है कि नहीं पहुंचेगी। जो वचन है वो नहीं पहुंच सकते आपके पास तक, तो फिर क्या होगा? तो वो खुद उत्तर देते हैं कि ठीक है, हमारे उद्गार आप तक ना पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो उद्गार हैं, जो स्तुति है, जो स्तोत्र हैं, ये क्या होंगे? ये दूसरे लोग पढ़ेंगे इसको, सामान्य व्यक्ति हैं वो इन स्तोत्रों का पाठ करके, इन कैसे इनके द्वारा स्तवन करके, वो सामान्य व्यक्ति, मनुष्य गति के जीव, वो क्या करेंगे? इच्छित फल को प्राप्त कर लेंगे इन्हीं स्तोत्रों के माध्यम से। मतलब आप तक हमारे वचन पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन सामान्य व्यक्ति तक ये बात पहुंचेगी और वो इनका सहारा लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये यहाँ पर कहने का भाव है। तो समझते हैं कैसे कहा है। कहते हैं कि वृत्तिर्वाचा, ठीक है, वाचाम माँ तक लेंगे और यहाँ से निकलेगा आ, तो अपर सदृशी, ठीक है। तो वाचाम वृत्ति, वृत्ति ही इरा का विसर्ग हो जाएगा। तो वाचाम वृत्ति, वचनों की प्रवृत्ति, मतलब बोलने की पद्धति, तरीका। अपर सदृशी, दूसरों के सदृशी मतलब समान है। हमारे वचनों की प्रवृत्ति जो है वो दूसरों के समान है, दूसरों के समान मतलब दूसरे व्यक्तियों के समान। लेकिन न त्वम अन्येन तुल्य, लेकिन त्वम मतलब तुम, यहाँ पर आ निकलेगा अन्येन, दूसरों के समान तुल्य ना, समान नहीं हो आप, दूसरों के समान नहीं हो। मेरी बोलने की पद्धति दूसरों के समान है, लेकिन आप दूसरों के समान नहीं हैं। मतलब मैं आपकी तुलना किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से नहीं कर सकता। तो कह रहे हैं कि ऐसा होने से यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, स्तुति प्लस उद्गारा, इसको हम देख लेते हैं। स्तुति उद्गारा, ये देखिए, ठीक है, स्तुति और उद्गारा, यहाँ पर यण संधि है, ठीक है। इस ई को या में बदल देते हैं संधि करने के बाद, और या में ऊ की मात्रा, तो ऊ हो गया, ठीक है। स्तुति उद्गारा, स्तुति रूप जो उद्गार हैं, मेरे वचनों के जो भाव हैं, वो कथमिव, कैसे, तथा इसलिए, त्वयि अमी, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? त्वयि और अमी, यहाँ पर भी वही यण संधि है, ई को या में बदल दिया, ठीक, और या में आ जुड़ गया तो अमी हो गया, ठीक, यमी यमी यमी, ठीक, यण संधि। तो आपके विषय में अमी मतलब होता है यह, क्या होता है यह, और नह, नह मतलब हमारा, हमारी, और क्रमंते मतलब जाना या पहुंचना, ठीक। तो कह रहे हैं कि हमारी अमी मतलब यह है, त्वयि आपके विषय में स्तुति उद्गारा, स्तुति रूप जो उद्गार हैं, वह कथमिव क्रमंते, कैसे पहुंचती है, कैसे पहुंचे? क्या कह रहे हैं कि मेरी वचनों की पद्धति सामान्य व्यक्ति की तरह है, लेकिन आप सामान्य व्यक्तियों के समान नहीं हैं, आप तो अलौकिक हैं। तो फिर हमारे यह स्तुति रूपी जो उद्गार हैं, वह कथमिव क्रमन्ते, आपके विषय में जो हमारे स्तुति के जो उद्गार हैं, वह कैसे आप तक पहुंचेंगे, कैसे जाते हैं? ये प्रश्न है कि आपके विषय में जो हमारे उद्गार हैं,
हमारी जो भाव हैं वो आप तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि ये भाषा तो आप तक पहुंचेगी नहीं। फिर वो कहते हैं कि मैं एवं भूवस, अब इसका भी संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, माँ एवं, ठीक है, बड़ा माँ ऐसे, माँ और एवं यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि, ठीक, वृद्धि संधि। तो कहते हैं माँ मतलब नहीं, एवं मतलब इस प्रकार, और भूवन मतलब हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा ना भी होगा, ऐसा ना भी हो मतलब मेरे वचन आप तक ना पहुंचे, कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान भले ही हमारे वचन आपके पास तक ना पहुंचे, लेकिन वो क्या होंगे, भक्ति पीयूष पुष्टाह, भक्ति रूपी पीयूष मतलब अमृत से पुष्टाह, पुष्ट हो जाएंगे, बलशाली हो जाएंगे, मतलब उस भक्ति में, उस वचनों में, उन उद्गार रूप जो स्तोत्र हैं उनमें मेरी भक्ति के कारण से उसमें एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, ऊर्जावान बन जाएंगे वो स्तोत्र। तो ऊर्जावान होकर के, शक्तिशाली होकर के क्या करेंगे, भव्यानाम, भव्य जीवों के लिए अभिमत फलाह, इच्छित फल देने वाले पारिजाता भवंती, पारिजात मतलब कल्प वृक्ष की समान बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि भले ही हमारे वचन आपके पास तक ना पहुँचें, लेकिन वही वचन स्तोत्र के रूप में और हमारी भक्ति से पुष्ट होकर के, भक्ति रूपी अमृत, यहाँ भी रूपक अलंकार है, भक्ति को अमृत के समान, अमृत के रूप में बताया है ना। एक होता है उपमा अलंकार, एक होता है रूपक अलंकार। तो उपमा अलंकार वो होता है जहाँ पर दो वस्तुओं की समानता बताई जाए कि यह इसके समान है, और रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर एक वस्तु को दूसरे के रूप में दिखा जाए, मतलब समानता नहीं है, वह वस्तु उस पहली वस्तु ही बन जाती है, उसमें समानता की बात नहीं है, वो तो केवल आरोप हो जाता है सीधा उसके रूप में। तो यहाँ पर भक्ति के समान अमृत नहीं है, यहाँ भक्ति को अमृत ही बना दिया, इसलिए रूपक अलंकार है। तो भक्ति रूपी अमृत से पुष्ट होकर के, शक्तिशाली होकर के, जो स्तोत्र रूपी जो उद्गार हैं वह है भव्य जीवों के लिए इच्छित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष बन जाएंगे, भवंती मतलब होते हैं, हो जाते हैं। तो इस प्रकार से छंद का अर्थ पूरा हुआ। जय जिनेन्द्र।